छोड़ यार, ढोकला है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيسے ہو آپ لوگ उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज 2 मार्च यानी मार्च की 2 तारीख और 12 है वेडनेसडे यानी बुधवार। तो आज के दिन पहले आपको दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल दिखाएंगे। बाहर की माहौल दिखाते हुए सीधे आपको लेके आएंगे दरगाह शरीफ की अंदर, अंदर के भी माहौल दिखाएंगे, दरगाह शरीफ जियारत कराएंगे। तो बना रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और दरगाह शरीफ जियारत कीजिए और माहौल भी देख लीजिए जी। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं सीधे दरगाह शरीफ की बाहर। तो ये है दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल, दरगाह बाजार की माहौल आप देख रहे हो। आज मार्च की 2 तारीख 2 मार्च और 12 है वेडनेसडे यानी बुधवार। तो बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन दरगाह शरीफ की बाहर का माहौल आप देख सकते हो कैसे है माहौल। और अभी टाइम आपका हो रहा है सुबह की 10 बजे का माहौल आप देख रहे हो, दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल, दरगाह बाजार की माहौल। तो आज पहले मैं आपको दरगाह शरीफ की बाहर की माहौल दिखा रहा हूँ। तो बाहर की माहौल दिखाते हुए मैं सीधे आपको अंदर ले चलेंगे, अंदर की भी माहौल दिखाएंगे, दरगाह शरीफ जियारत कराएंगे। तो आप हमारा वीडियो में बना रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, दरगाह शरीफ जियारत कीजिए और माहौल भी देख लीजिए जो माहौल आज आजमी शरीफ में कैसे बन चुके हैं। तो देख सकते हो है दरगाह बाज़ार की माहौल। और दरगाह बाज़ार से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मेन गेट निज़ाम गेट, तो यहीं से आप निज़ाम गेट ज़ियारत कीजिए और देख लीजिए माहौल की चहल पहल कैसे है आज दरगाह शरीफ के बाहर। तो माशाल्लाह आज भी बाहर की माहौल अच्छा है, यहाँ पर अच्छा खासा ज़ायरीन यहाँ पर भी है, देख सकते हो। आज वेडनेसडे के दिन है, तो वेडनेसडे मॉर्निंग 10 बजे के टाइम आपको देख रहे हो, सुबह की 10 बजे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। तो देखिए ये है मेन गेट से लोग कैसे अंदर दाखिल हो रहा है और मैं भी आपको अंदर दाखिल कराएंगे इसी गेट से। तो देख सकते हो किस तरह लोग अंदर दाखिल हो रहा है आज वेडनेसडे के दिन और 2 मार्च यानी 2 मार्च। तो मैं भी आपको इसी गेट से अंदर दाखिल कराया हूँ, निज़ाम गेट से आपको अंदर दाखिल करा दिया हूँ। और निज़ाम गेट के बाद जो नौबतखाना गेट आता है, नौबतखाना गेट का भी माहौल आप देख लीजिए जी कैसे बन चुके हैं आज का माहौल जी, आज कितना ज़ायरीन है चहल पहल देख सकते हो। मैं रोज़ इस तरह आप लोगों तक पहुंचाता हूं अपडेट, रोज़ इस तरह मैं आपको माहौल दिखाता हूं ताकि आपको बड़ी आसान हो जाए जो आजमी शरीफ के माहौल कैसे है आपको दिख जाए आसानी से। देख सकते ये बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा देखिए कैसे है आज, बुलंद दरवाज़ा के नीचे का माहौल कैसे है। और ये देखिए बाहर से अंदर एंट्री होने का 2 नंबर गेट, तो 1 नंबर गेट जो निज़ाम गेट से मैं आपको अंदर दाखिल कराया हूँ और ये है 2 नंबर गेट। तो 1 नंबर गेट से हो चाहे 2 नंबर गेट से अगर एंट्री होंगे तो बुलंद दरवाज़ा से ही गुजरना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए आपका अकबरी मस्जिद जियारत कीजिए और अकबरी मस्जिद के भी माहौल देख लीजिए आसपास की माहौल। तो ये बुलंद दरवाज़ा में काम चालू है अभी, देख सकते हो। चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं, बुलंद दरवाज़ा के नीचे है मैं अभी, ये बुलंद दरवाज़ा के नीचे से देख रहा हूँ पब्लिक कैसे है। आप यहाँ पर देखिए जारीन कितना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंद दरवाज़ा से हुजूर गरीन से गुम्बद शरीफ जियारत कीजिए। और ये देखिए छोटी डेक के माहौल आप देख लीजिए आज कैसे बन चुके हैं छोटी डेक की माहौल। और इधर आप देखेंगे अभी ये है बड़ी डेक के भी माहौल देखिए। तो बड़ी डेक और छोटी डेक दोनों के बीच का भी माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ी डेक देख लीजिए और ये आपका बीच का माहौल है, छोटी डेक बड़ी डेक के बीच के माहौल देख सकते हो जी। आज भी कितना ज़ायरीन आजमी शरीफ में है,
आज वेडनेसडे का दिन है, यानी बुधवार है। तो माशाल्लाह बुधवार के दिन के भी अच्छा खासा जारिन यहाँ पर चल पल है। यहाँ पर जो भी जारिन है किसी का कोई रोक टोक नहीं है, आप देख सकते हो। माशाल्लाह वजू खाना के सामने लेके आया हूँ, और ये है बाहर से अंदर एंट्री होने का 3 नंबर गेट, लंगर खाना गेट। लंगर खाना गेट का भी माहौल आप देख लीजिए। तो लंगर खाना गेट से आप दाखिल होने के बाद दरगाह शरीफ की अंदर, जैसे आप 3 नंबर गेट से एंट्री करेंगे तो सीधा अंदर आपको आएंगे वजू खाना। देख लीजिए वजू खाना के सामने का माहौल कैसे है। ये छोटी वजू खाना, बड़े वजू खाना सभी यहाँ पर है, देख सकते हो। और उसके बाद ये वजू खाना के सामने का माहौल, बड़ी डेक, छोटी डेक, ये बुलंद दरवाज़ा, ये सब 3 नंबर गेट के अंदर एंट्री होने के बाद देखता है जी। तो अभी आपको और आगे लेके चल रहा हूँ, बना रही है वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, दरगाह शरीफ जियारत कीजिए। और आप लोग से गुजारिश करता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि इस तरह रोज़ दरगाह शरीफ आपको जियारत हो जाए। तो मैं आपको शानदली मस्जिद के सामने लेके आया हूँ, और यह फाजा गरीब नवाज़ की बीबी साहिबा की दरगाह, जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए जी। हुजूर गरीब नवाज़ की बीबी साहिबा की दरगाह, और यह शानदली मस्जिद। शानदली मस्जिद की अंदर की माहौल आज देखिए कैसे है, देख सकते हो। चलिए फिर आपको आस्थाना शरीफ के सामने ले चलते हैं। तो आस्थाना शरीफ के सामने जाने से पहले यहाँ का भी जो भी फूल चादर की दुकान है सभी खुली हुई है, और आज यहाँ पर थोड़ी सी पब्लिक कम देख रहे हैं, देख सकते हो। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आतायनूर पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपको ऑलरेडी आतायनूर गेट के अंदर दाखिल करा दिया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज़ की गुंबद शरीफ आतायनूर से आप जियारत कर रहे हो, जियारत कीजिए, सुभान अल्लाह। और ये देखिए पूरा आतायनूर के माहौल जी। आज वेडनेसडे का दिन है, 2 मार्च से, तो आज आतायनूर का माहौल देखिए यहाँ पर भी कैसे चल पल है, कितना जारिन यहाँ पर है कि नहीं है, आप देख सकते हो। ये देखिए पेड़ के नीचे जो बच्चा तोला जाता तराजू, आज किसी बच्चे को तोल भी रहा है यहाँ पर, देख सकते हो। और यहाँ पर कैसे माहौल बन चुका है देखिए, ये पूरा आतायनूर की माहौल, आज कितना जारिन यहाँ पर आई हुई है, कितना जारिन आतायनूर पर है, देख सकते हो। माशाल्लाह आतायनूर की माहौल आप अभी देख रहे हो, आज 2 मार्च से, और सुबह सुबह की टाइम 10 बजे का टाइम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप बरगाह गरीब नवाज़ में खड़ा हो, और आतायनूर से आप आस्थाना शरीफ जियारत कर रहे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आताए रसूल हिंदल अली के दरबार शरीफ आप जियारत कर रहे हो, जियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। जो लोग किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, वो लोग हमारा वीडियो द्वारा जियारत करें, दुआएं मांगें। और देखिए आज की माहौल आतायनूर पर कैसे बन चुके हैं, किस तरह फजा गरीब नवाज की आशिक अंदर जाके हाजिरी लगा रहा है, देख सकते हो। और अंदर खुद्दम हजरत ऑलरेडी है जो आपको हाजिरी करवा रहा है जी, आपको जियारत करवा रहा है, और आप भी जियारत कर रहे हैं। माशाल्लाह फूल चादर पेश कर रहे हो, देख सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किस तरह आज फजा गरीब नवाज की आशिक आतायनूर से अंदर जा रहा है, एक के पीछे एक लाइन लगा हुआ, माशाल्लाह सभी सुकून से अंदर जा रहा है। जो भी जगह यहाँ पर आए हुए हैं सबके जियारत हो रहा है, सबके हाजिरी हो रहा है, यहाँ पर किसी तरह कोई परेशानी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। माशाल्लाह अभी माहौल बहुत ही बेहतरीन माहौल है, बहुत ही बेहतरीन माहौल है। अभी अजमेर शरीफ में भीड़ कम है, नॉर्मल भीड़ है। तो इसी वक्त अगर दरगाह शरीफ में आप आएंगे तो आपको ऐसे ही सुकून से जियारत होंगे, और यहाँ पर अजमेर शरीफ में जो भी है सभी आपको सहूलियत मिलेंगे, क्योंकि अभी अजमेर शरीफ में भीड़ कम है, देख सकते हो। ये आतायनूर के माहौल दिख रहे हो जी, यहाँ पर इतना भीड़ हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है, धक्का मुक्की की वजह से कुछ लोग तो अंदर जा ही नहीं पाता, लेकिन अभी जो भीड़ है माशाल्लाह किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पर आए, जब भी कमज़ोर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी अंदर जाके जियारत कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर कोई आज परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा कतार है आज देखिए, और यहाँ पर कव्वाली भी हो रहा है आतायनूर पे, तो कव्वाली का भी माहौल आप देख रहे हो। ये आतायनूर की जी, ये पूरा आतायनूर की माहौल आप देख रहे हो। चलिए आगे लेके चलते हैं। तो मैं आपको लेके आया हूँ पायती पे जी। तो ये पायती का माहौल आप देख रहे हो, आज वेडनेसडे का दिन है, यानी बुधवार है, और 2 मार्च यानी मार्च के 2 तारीख है। तो 2 तारीख का माहौल आज कैसे बन चुके हैं, कैसे हैं कि नहीं है, आप खुद हमारे वीडियो द्वारा देख सकते हैं, जान सकते हैं माशाल्लाह। तो ये है पूरा पायती के माहौल, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पायती से हुजूर गरीब नवाज़ की गुम्मत शरीफ देख लीजिए, जैसे कि आपको लगेंगे खुद आप अजमेर शरीफ में हो। हमारे वीडियो बिल्कुल रियल है,
हकीकत है, हमारा वीडियो में कोई फेक फाक कोई एडिट कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको लगेंगे जब आप खुद अजमेर शरीफ में घूम रहे हो, खुद अजमेर शरीफ दरगाह खुद आके ज़ियारत कर रहे हो, ऐसे वीडियो मैं आपको लेके आता हूँ। जी देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल है जी, ये है पूरा पायती का माहौल, यहाँ पर कबली भी हो रहा है। जी तो हमारी वीडियो में आपके एक फ़ायदा ये रहेंगे कि हमारे वीडियो में किसी तरह कोई फेक नहीं है, कोई एडिट नहीं है, बिल्कुल आप ताज़े देखेंगे, ताज़ा देखेंगे और क्या कहते हैं, बिल्कुल आप नेचुरल देखेंगे, बिल्कुल किसी में कोई ये इसमें मिक्स वगैरह नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आस्था शरीफ के दो नंबर गेट पायती गेट, पायती गेट से आप आस्था शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, जहाँ पर कदम उसी होता है, ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए। तो हिंदुल अली अताए रसूल की दरबार शरीफ आप ज़ियारत कर रहे हो, जहाँ पर कदम उसी होता है, ज़ियारत कीजिए, दुआएँ मांगिए हुजूर गरीब नवाज से। और देखिए फजा गरीब नवाज की आशिक किस तरह चादर फूल लेके अंदर जा रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जैसे लग रहा है आप भी खुद इसके पीछे पीछे चल रहे हो, माशाल्लाह ऐसे लग रहा है इसके पीछे पीछे खुद आप भी चल रहे हो आस्था शरीफ ज़ियारत के लिए। माशाल्लाह देखिए आस्था शरीफ के अंदर के माहौल, जहाँ पर कदम उसी होता है, किस तरह लोग कदम उसी कर रहा है और कदम उसी करके बाहर आ रहा है, सुभान अल्लाह। सभी जरिन यहाँ पे खुश है, सबके चेहरे पे खुश नज़र आ रहा है, देख सकते हो सुभान अल्लाह। देखिए किस तरह कदम उसी करके ज़ियारत करके बाहर आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे कि लग रहा है लोग परेशान था और अंदर से कितना खुश होकर आ रहा है, माशाल्लाह देख सकते हो सुभान अल्लाह। कदम उसी की जगह आप ज़ियारत कर रहे हो, देख लीजिए। चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं, आगे का भी माहौल दिखाते हैं और दरगाह शरीफ ज़ियारत कराते हैं। आप बना रहिए मेरे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए। जो आप सुभान अल्लाह आस्थाना शरीफ के तीन नंबर गेट के सामने से आप गुम्बद शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, माशाल्लाह गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। तो आप ज़ियारत कर रहे हो हिंदुल अली अताए रसूल की दरबार, तो ये देखिए तीन नंबर गेट जी, इस गेट से भी कैसे लोग अंदर जा रहा है ज़ियारत के लिए, देख सकते हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए और फूल चादर लेते हुए जा रहा है, कोई खाली नहीं जा रहा है, माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह। जो भी जायज़ मकसद मुराद लेके आया सब पूरा करेंगे। और देखिए कितनी बड़ी चादर लेके आ रहा है, माशाल्लाह चादर शरीफ ज़ियारत करें आप। इस चादर शरीफ आस्था शरीफ को तीन नंबर गेट से लेके जा रहा है, अंदर पेश करेंगे और जो भी जायज़ मुराद है वो मांगेंगे हम इंशाल्लाह, जो भी जायज़ मकसद मुराद है वो पूरा करेंगे जी। देखिए चादर शरीफ ज़ियारत कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप अताए रसूल हिंदुल अली के दरबार शरीफ ज़ियारत कर रहे हो आस्था शरीफ को तीन नंबर गेट से। और देखिए तीन नंबर गेट से लोग कैसे चादर लेके जा रहा है, और ये देखिए तीन नंबर गेट के सामने का माहौल, आज माहौल कैसे बन चुके हैं, यहाँ पर भी कितने जायरीन हैं, कैसे चल पहल है वो भी आप देख लीजिए, और दरगाह शरीफ हर कोने कोने का ज़ियारत भी आप कर लीजिए। माशाल्लाह रोज़ आप किस तरह ज़ियारत कराता हो ताकि आपको परेशानी होने का परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं रोज़ इस तरह वीडियो बना के आपको ज़ियारत कराएँगे। जब भी आपको मौका मिले तो आप अजमेर शरीफ में आके ज़ियारत कीजिए, हाजिरी लगाइए। अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे हमारा वीडियो दोबारा आप ज़ियारत कर सकते हैं। मैं रोज़ नेचुरल वीडियो बना के आपको ज़ियारत कराता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, इसमें कोई एडिट नहीं है, कोई फेक पाक नहीं है। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, जस कर सकते हैं जी। ये देखिए जन्नती दरवाज़ा है, तो जन्नती दरवाज़ा के सामने का भी माहौल, कैसे लोग कैसे ज़ियारत कर रहे हैं। आज वेडनेसडे का दिन है और 2 मार्च से देखिए, और आप भी ज़ियारत कीजिए, बिल्कुल नेचुरल ज़ियारत कर रहा है आप, इसी में कोई फेक फाक नहीं है, कोई एडिट नहीं है, माशाल्लाह। देखिए ये है आपका शाहजहानी मस्जिद, और शाहजहानी मस्जिद की अंदर की भी माहौल, देखिए यहाँ पर लोग बैठ के कैसे दुआएं मांग रहा है, माशाल्लाह आज अच्छा खासा जारी यहाँ पर देख रहा है, देख सकते हो। और सुभान अल्लाह हुजूर गरीब नवासी गुम्बद शरीफ शाहजहानी मस्जिद के अंदर से आप दीदार कर रहे हो, माशाल्लाह दीदार कीजिए। और देखिए शाहजहानी मस्जिद की अंदर की माहौल आज कैसे है, कितना जारी है। तो अभी आपको लेके आ रहा हूँ आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट के सामने, जिस गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आते हैं आस्था शरीफ। तो माशाल्लाह देखिए आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट, कैसे लोग ज़ियारत करके बाहर आ रहा है, और आप भी ज़ियारत कीजिए, और यहाँ का भी माहौल आप देख लीजिए, बिल्कुल नेचुरल माहौल, माशाल्लाह यहाँ पर आपको किसी तरह कोई मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रियल देख रहे हो आप, सुभान अल्लाह। देखिए और ज़ियारत कीजिए, जैसे कि आपको लगेंगे आप खुद यहाँ पर मौजूद हो गए दरगाह शरीफ में आके आप ज़ियारत कर रहे हो, ऐसे लगेंगे माशाल्लाह। देखिए आप ज़ियारत कीजिए, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और आगे से आगे शेयर कीजिएगा जी। तो देखिए मैं आपको लेके आया हूँ बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के सामने, तो बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ के यहाँ सामने यहाँ पर ज़ायरीन कम है, यहाँ पर जो भी लोग ज़ियारत कर रहा है देख सकते हो, एक महिला एक बच्चा ज़ियारत कर रहा है, और आप भी ज़ियारत कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा ज़ायरीन कम है आज,
आस्था शरीफ की अंदर बाहर बहुत जायरीन है। और ये ख्वाजा गरीब रस की बीबी साहिबा की दरगाह, इधर से भी ज़ियारत कीजिए। यहाँ पर मशक ढला जाता है, जैसे मशक ढल रहा कोई देखिए, और मैं उधर से भी ज़ियारत करा कर लेके आया हूँ। तो देख सकते हैं आज वेडनेसडे के दिन दरगाह शरीफ के अंदर के पूरा माहौल आपको दिखाया हूँ, दरगाह शरीफ ज़ियारत कराया हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो मेरा बनता ही है, एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।